हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सबसे पहले पूछूंगा कि हाउ इज़ द जोश। सो जोश इज़ ऑन द हाई बिकॉज हमारा डाटा जो है, जो कि मैंने आपको कल इस वाली वीडियो के अंदर बताया था, तो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको डाटा भी दिखाया था अपना FII का। FII फ़िलहाल जब से जून की स्टार्टिंग हुई है, मतलब दो दिन हुए हैं, दोनों दिन से FII फ़िलहाल तो बुलिश हैं और वो लोग इक्विटी के अंदर भी बाय कर रहे हैं और वो लोग फ्यूचर के अंदर भी बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी में भी अगर बाय करेंगे और फ्यूचर में भी बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये यूनिवर्सल रूल होता है। तो बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, तो उसका रीज़न मैंने आपको कल भी बताया था और आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट 95 के ऊपर था, 10,000 के आसपास आ गया, 500 पॉइंट की रैली आ गई दो दिन के अंदर। बैंक निफ्टी जो था 19,700 के आसपास था और 20,600 के आसपास आज क्रॉस हुआ, तो 1,000 पॉइंट की रैली कम से कम बैंक निफ्टी में भी आ गई। ठीक है, तो ये सब रैली आई क्यों हैं और सस्टेन क्यों हो रही हैं? सिंपल सी बात है भाई, जब FII का मूड घूमेगा ना, जब FII का माइंड घूमेगा और जब FII का मूड बनेगा ना कि भाई मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो चाहे कोई भी ताकत आ जाए, मार्केट को नीचे वो लेके नहीं जा सकते। और जिस वक्त FII का मूड जो है ख़राब हो गया और उसने जब बेचना शुरू कर दिया, तो समझ लेना कि मार्केट में चाहे कोई कितना भी बाइंग कर ले, चाहे DII बाय कर ले, चाहे प्रोप्राइटर बाय कर ले, चाहे रिटेल ट्रेडर बाय कर ले, मार्केट को नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, तो बता दे रहा हूँ अभी से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जून में दो दिन हो गए हैं, दोनों दिन से मैंने डाटा ऑब्ज़र्व किया है। डाटा मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर, कल वाले निफ्टी व्यू के अंदर दिखाया भी था। तो मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपको डाटा के दिखाने के बाद कहा भी था कि भाई जब तक बुलिश रहेंगे अपने FII, मेरे भगवान जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, जब तक वो बुलिश रहेंगे तो मैं भी बुलिश रहूँगा, और जिस दिन वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे ना, मैं भी मार्केट में बेरिश हो जाऊँगा। ठीक है, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ और इसी का नतीजा है कि भाई देखो, दो दिन से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। पहले भी हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन उतनी मेजर रैलीज मार्केट के अंदर नहीं आ रही थी। तो ठीक है, अभी रैली है तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे चल के इस अपने निफ्टी चार्ट्स के ऊपर और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से आगे आने वाले दिन के अंदर हो सकता है, और मैं आपको डाटा पॉइंट्स के हिसाब से बताऊँगा कुछ लेवल्स जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक्सपायरी के बारे में ही बताऊंगा, तो या लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वाले वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये हमारे चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, और 15 मिनट का चार्ट लगा ओपन कर लेता हूँ चलो मैं। ठीक है, कल मैंने आपको ना याद करो, कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, कल का ना मैंने एक बहुत अच्छा लेवल दिया था आप लोगों को, 97। कौन सा लेवल दिया था याद करो, लेवल था वो 9790 का। ठीक है, ये लेवल जो था, ये लेवल मैंने आपको कल दिया था। मैंने कहा था कि भाई केवल सेल की पोजीशन तभी बनाना जब इसके नीचे मार्केट जाए। ठीक है, अदरवाइज सोचना भी मत कि मार्केट वीक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 9790 का जो लेवल था वो आज टच ही नहीं हुआ, उसके नीचे तो जाने की बात दूर की गई। ठीक है, तो 9790 का जो लेवल था, ये कल के लिए, मतलब कल ही बता दिया था आज के लिए कि भाई 9790 के आसपास मार्केट जो है गिरेगा, उसके नीचे जाएगा तो मार्केट वीक हो जाएगा और फिर मार्केट में आपको सेल साइड में रहना है, बाय साइड में नहीं रहना। लेकिन आज की कैंडल देखिए कहाँ पे खुली, आज की कैंडल ये वाली कैंडल पहली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल अगर पहली कैंडल है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ ये कैंडल जो है देखो पहली कैंडल है, ओपन हुआ है 9875 के आसपास। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कह दिया था
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और आज सुबह का 9:11 के ऊपर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बोला क्या बोला, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखो मैंने क्या कहा था कि भाई सुबह 9:11 भी मैंने कहा था कि भाई 9790 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 9800 का CE बाय करना है, बट अगर 9790 ब्रेक होता है तो देन बाय साइड से निकल जाना, और 9790 ब्रेक होगा तो डाउनसाइड टारगेट जो है आपको 9720 का मिलेगा, ठीक है। और अगर 9790 सस्टेन हो गया तो अपसाइड टारगेट आपको 9920 का मिलेगा। थैंक्स, ये मैंने 9:11 के ऊपर कहा था मार्केट ओपन होने से पहले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही थी मैंने देखो यहाँ पे 9:16 के ऊपर जब मार्केट ओपन हो गया था, ठीक उसके एक मिनट बाद, आप जाके खुद चेक करो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैंने कहा था कि अभी निफ्टी जो है 9880 के आसपास ओपन होगा, अभी बाय नहीं, अभी बाय हम बस तभी करेंगे जब निफ्टी 9920 के ऊपर सस्टेन करेगा, एकदम से बाय नहीं करना। मैंने ये भी लिखा था कि मैं अपनी पर्सनल बाइंग लेवल जो है 9920 या फिर आई विल बाय अराउंड द 9800 और 9820, ठीक है। सिंपल बोल दिया था मैंने 9:16 के ऊपर ही, या तो मैं 9920 के ऊपर जब जाएगा तब बाय करूँगा, या फिर मैं सिंपल सी बाय करूँगा 9820 के आसपास, ठीक है। मार्केट देखो कहाँ पे आया, मार्केट का लो कितना बना पहली कैंडल के अंदर, लो आप देख सकते हो 9824 का बना। मैंने कह दिया था पहले ही कि 9820 के आसपास मैं बाइंग करूँगा। मैंने यहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर लगाया और एग्जैक्टली 9:30 तक मार्केट कहाँ पहुँच गया, मार्केट का हाई देखो कितना है 9933, मतलब सुबह 10 के अंदर ही हमको 100 की रैली मिली। और मैंने यहाँ पे सबको पहले ही बता दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर 9:16 के ऊपर, और आप थोड़ा नीचे आएंगे तो देख भी सकते हो कि 9:23 के ऊपर ही मैंने कह दिया था कि भाई CE बाय कर लो, आपका 9820 के आसपास। और आप 5 के कैंडल के ऊपर देखो कि जो टाइम फ्रेम मैंने बोला था, ठीक है, वो चीज़ आपकी आई या फिर नहीं आई, ठीक है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। भाई ये जो है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है इस सब चीज़ के चक्कर में, लेकिन होता क्या है ना कि दिखाना ज़रूरी भी है ताकि हमको हमारे काम को दुनिया देखे भी, ठीक है। अब देखो ये वाली 9:20 की कैंडल जो है लो बनाती है 9828 का, मैंने कह दिया था कि भाई बाय कर लेना, और देखो मार्केट कहाँ तक गया 9933 तक। तो भाई 100 की रैली जो है आपको पहले ही मिल गई, ठीक है। अब मैं 15 के ऊपर वापस आता हूँ। अब मैं बात, चलो छोड़ो ये सब बातें तो चलती रहेंगी, हमारा काम अगर अच्छा होगा तो दुनिया पैसे कमाएगी, प्रॉफिटेबल बनेगी, ठीक है। हमारे डाटा पॉइंट्स अच्छे रहेंगे, हमारे FII जिंदाबाद रहेंगे, तो हम पैसा कमाएंगे, उसकी टेंशन हमें नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं चलो कल की, ठीक है, कल की बात कर लेते हैं। आज का व्यू तो हमारा बहुत अच्छा गया, मतलब अच्छा जाना ही था, क्योंकि हमारे FII हमारे साथ हैं, FII बाय में है तो हम भी बाय में हैं, तो हम उनके साथ चलेंगे तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं देखो कल की। अब मार्केट देखो 10,000 के आसपास आ चुका है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 के आसपास मार्केट आ चुका है, ठीक है। अब 10,000 के आसपास मार्केट आ चुका है तो भाई अब क्या करना है आगे, देखो 10,000 का जो एक लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल 10,000 का, वो एक बहुत ही ऐसा लेवल है जिसके ऊपर दुनिया की नज़र है, मतलब पूरे इंडिया की नज़र नहीं है, जो फॉरेन में वो बैठे हैं ना आपके, क्या कहते हैं उसको आप, फॉरेन ट्रेडर्स कहते हो, मैं तो उसको FII बोलता हूँ। फॉरेन ट्रेडर्स भी होते हैं कुछ जो कि FII के थ्रू काम नहीं करते, वो डायरेक्ट इंडिविजुअल पैसा लगाते हैं, ठीक है। उन लोगों की निगाहें भी हैं 10,000 के लेवल के ऊपर। मार्केट 10,000 क्रॉस करके नहीं गया आज, मार्केट 10,000 के ऊपर ही रुक गया, ठीक है। तो भाइयों अब बहुत हो गया बुलिश। मैं ये नहीं कह रहा कल उठते के साथ ही आप सेल ऑर्डर मार देना,
या फिर बेरिश हो जाना। आपको क्या करना है, मैं आपको एक लेवल देता हूँ कल के लिए निफ्टी के अंदर, मैं बैंक निफ्टी की बात भी करूँगा, ठीक है। कल के लिए एक लेवल लिख लो, जो कि लेवल है, वैसे तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, मैं आपको अभी समझाऊँगा इनका मतलब क्या है। कल के लिए ये जो कल का, ये तो आज का लेवल था जो कि मैंने कल दिया था, अब मैं आज दे रहा हूँ कल के लिए लेवल, वो लेवल है कल के लिए, लिख लो आप सब लोग, याद रखना माइंड के अंदर, माइंड में फिट कर लो। माइंड में अगर फिट नहीं करोगे ना, तो क्या होता है कि आप फिर बार बार पूछते हो कि सर क्या कब बाय करें, कब बाय करें, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मैं अपना ट्रेड लूँ, ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को बताता फिरूँ, आपको बताता हर चीज़ हूँ, वो पहले ही बता देता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ पर आप ध्यान नहीं देते। आप क्या करते हो, लाइव मार्केट में पूछेंगे भाई, लाइव मार्केट में पूछेंगे, पूछो लाइव मार्केट में भी, लेकिन उन चीज़ों को तो मत पूछो कम से कम जो चीज़ें मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 10,000 का 40 का जो ये लेवल है ना निकल के आया है, ये ख़तरनाक लेवल है, इसको मैं ख़तरनाक बोल रहा हूँ, ठीक है, ख़तरनाक, दो बार और बोल रहा हूँ, ख़तरनाक लेवल, ठीक है। क्यों लेवल ख़तरनाक है, क्योंकि इसके ऊपर दुनिया की निगाहें हैं, ठीक है। मार्केट सिंपल सी बात है, इस लेवल के ऊपर खुल गया अगर कल 10,040 का लेवल, देखो ये वाली लाइन जो है 10,040 का लेवल है, और 10,040 के लेवल के ऊपर कम से कम 15 मिनट से ऊपर, 15 या 20 मिनट कम से कम सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट तो कम से कम सस्टेन करना चाहिए 10,040 के ऊपर। मैं लाइव मार्केट में रहूँगा, सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो मैं बता भी दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल जो है, लिंक जो है नीचे मिल जाएगा आपको ज्वाइन करने के लिए, आपको उसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन भाई ये जो लेवल है ना, ये ख़तरनाक लेवल है, और इस लेवल के ऊपर अगर आपका 15 मिनट 20 मिनट मार्केट टिक गया, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट भाई 10,120 का टारगेट अगला मार्केट आपको दिखा देगा, ठीक है, कल ही दिखा देगा, और 10,120 का। लेकिन मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि 10,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मुझे मुश्किल लगता है कि भाई 10,040 का लेवल जो है सस्टेन करेगा। अगर कर गया तो अच्छी बात है, हमारा कुछ नहीं जाता, हम बुलिश हो जाएंगे, और फिर हम अगला टारगेट रखेंगे 10,120 का, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं, हमें दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए, ठीक है, मार्केट के अंदर। एक तरफ सोचेंगे तो क्या होता है ना, बुलिश किसी ने बोल दिया, और मार्केट में आप बुलिश लेके चले गए माइंडसेट को, और मार्केट हो गया गलती से बियरिश, आप क्या है, आप तो बाय के ऑर्डर लगा के बैठ जाओगे, ठीक है, आपके सामने मार्केट नीचे गिरती रहेगी, क्योंकि मार्केट तो बियरिश हो गया ना, मार्केट नीचे गिरती रहेगी, और क्या होगा, आपने बाय ऑर्डर लगा रखे हैं, आपका तो पूरा कैपिटल उड़ जाएगा, और आप फिर कहोगे अरे यार व्यू तो गलत हो गया, ठीक है। आप ये दिमाग नहीं लगाओगे कि भाई मार्केट नीचे गिर रही है तो फिर क्या कहते हैं आपको निकलना है, नहीं, बस आप दूसरों पे ब्लेम लगाओगे कि भाई मार्केट तो बेरिश हो गया, बोला तो बुलिश था। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सा माइंड अपना भी यूज़ करना होता है, ठीक है। तो 10,040 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टिक गया 15-20 मिनट सुबह सुबह ही, तो भाई 10,120 और 10,150 मैं कल ही देखूँगा निफ्टी के अंदर, और अगर 10,040 नहीं सस्टेन हो पाया या मार्केट इस 10,040 के नीचे ही ओपन हो गया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि 10,040 ब्रेक करेगा, फिर मार्केट जो है आपका पूरा दिन, क्योंकि देखो कल क्या है ना, अब क्या है कि एक्सपायरी भी नज़दीक आने वाली है थर्सडे को, है ना, अब क्या है कि पोजीशंस ना अब ऐसे बनाएंगे बड़े प्लेयर कि वो दम घोट देंगे मार्केट का ऐसा दम घोटेंगे, क्योंकि उनको प्रीमियम खाना है अब, और प्रीमियम का फास्ट डीके होगा अब, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को एक रेंज में रखेंगे, और रेंज में रखेंगे आप सोचोगे कि बाय करूं या सेल करूं, आप क्या करोगे, सोचोगे 20 पॉइंट के लिए चले जाऊं, 20 पॉइंट के लिए मार्केट में बाय कर लूं, या 40 पॉइंट के लिए बाय करूं, जैसे ही बाय करोगे मार्केट नीचे रहेगी, फिर नीचे के लेवल के ऊपर सेल करोगे, सोचोगे 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे सेल करोगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है रेंज बाउंड सिचुएशन में ना, ऐसे ही होता है जब उनको प्रीमियम खाना होता है ना, तो ऐसा ही होता है। तो भाई कल और परसों प्रीमियम खाया जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर ये 10,040 के नीचे ओपन हुआ मार्केट तो आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर दूंगा, बता दूंगा मैं क्या करना है आपको। कम से कम आपको सेल भी नहीं करना है, आपको सेल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सेल कब करना है, आपको सेल करना है 9960 के नीचे, ठीक है। नोट डाउन कर लो भाइयों, 9960 के नीचे अगर मार्केट जाए तभी आपको सेल करना है। वहाँ पे आपको टारगेट पहला मिलेगा 9910 का और सेकंड टारगेट मिलेगा 9860 का। और इसके नीचे मार्केट अभी नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली एक्सपायरी के अंदर इसके नीचे 9850 के नीचे मार्केट नहीं जा रहा, ठीक है। जो लोग आपको बताएंगे यूट्यूब के ऊपर कि भाइयों अभी तो मार्केट करेक्शन लेगा, ये लेगा, वो लेगा, भैया नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 9800 के ऊपर बहुत तकड़ा सपोर्ट बन गया है मार्केट के अंदर और FII इस वक्त बुलिश मूड के अंदर हैं, ठीक है। तो हो सकता है FII अपना प्रीमियम भी खाएंगे, तो प्रीमियम कौन सी रेंज के अंदर खाएंगे, 9850 से लेके 9950 की रेंज में कल पूरे दिन मार्केट को घुमाएंगे और वो अपना प्रीमियम खाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। और अगर 10,040 को ब्रेक कर गया और 15 मिनट सस्टेन कर गया मार्केट, तो फिर गोली कर देगा वो निफ्टी को। और वो क्या होगा, फिर गोली कहाँ जाके रुकेगी, सीधा 10,120 के ऊपर जाके रुकेगी। ये बात लिख लेना, ठीक है। ये तो बात हो गई चलो अपनी कौन सी, निफ्टी की बात हो गई, ठीक है। अब देखो भाई बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में क्या करना है। 15 मिनट की वीडियो हो गई, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, आपके मतलब की बातें हैं। लेवल बता रहा हूँ और पोजीशंस बता रहा हूँ FII की, ठीक है, और मार्केट क्यों जा रहा है उसका रीज़न भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी लगे तो पूरा देखो ज़रूर, आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। 5 मिनट के अंदर अपनी वीडियो ख़त्म कर दूँगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो लंबी लंबी वीडियो देख के, ठीक है। चलो भाई कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो क्या होता है कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी की जो 10,600 पार करने की कोशिश की, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग मिली अपने को 10,600 से नीचे मिली, यानी कि अपन लोगों ने 20,600 है ये, ठीक है। तो 20,600 को सस्टेन नहीं कर पाया और उधर निफ्टी 10,000 को भी सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब देखो 20,500 क्या है, 20,500 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे कि निफ्टी के अंदर 10,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है ना, इसी तरीके से 20,500 भी जो है साइकोलॉजिकल लेवल है। अब देखो क्या है कि अगर मार्केट 10,620 के ऊपर, लिख लो बैंक निफ्टी के लिए लिख लो आप लोग, फिर कल आप कंफ्यूज हो जाओगे लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। 20,000 मैं 10,000 ही मेरे माइंड में रहता है हमेशा, क्योंकि वो निफ्टी को मैं 24 घंटे फॉलो करता रहता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि वो 10,000 घूमता रहता है। बैंक निफ्टी को मैंने अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है, ठीक है, बट फिर भी चलो ठीक है, बैंक निफ्टी भी अपना अच्छा रिटर्न दे रहा है। और अपना लेवल्स आज भी दिया था बैंक निफ्टी के अंदर 20,600 का, और 20,600 आ ही गया फाइनली क्लोजिंग होते होते, हम लोग तो पहले ही निकल गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो टारगेट दिया था वो कम से कम अचीव तो हो गया। जाके टेलीग्राम चैनल के ऊपर चेक कर लेना कि 20,600 दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। तो भाइयों ये जो है 20,620 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, ठीक है। अब देखो 20,600 के ऊपर, ऐसा नहीं कि भाई 20,600 क्रॉस हुआ तो आप टूट पड़े, ऐसा नहीं करना भाई, कम से कम 5-10 मिनट टिकने देना बाजार को, बैंक निफ्टी को इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर। अगर टिक गया तो मैं आपको टेलीग्राम पर लिख के बता दूंगा कि अगला लेवल जो होगा ना भाई 20,800 और 20,850 के आसपास मिल जाएगा बैंक निफ्टी आपको, ठीक है। और टिक भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, टिक भी सकता है क्योंकि FII बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी भाई टिक सकता है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि नहीं टिक सकता। FII जब अपने मूड में होते हैं ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी आप बोल लीजिए किसी का भी दिमाग ख़राब कर सकते हैं वो अपने पे जब आएंगे तो, वो ठीक है। FII बुलिश है इस वक्त मार्केट के अंदर इस हफ्ते तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर 20,620 के ऊपर मार्केट टिक गया तो 20,800 और 20,850 का टारगेट लिख लो। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर प्रीमियम खाने की प्लानिंग रही कल, तो फिर क्या होगा, 20,200 और 20,000
500, ये 300 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी घूमता रहेगा और प्रीमियम खाते रहेंगे वो लोग, और फिर शायद आपको इंडेक्स के अंदर ज़्यादा कुछ मिले ना करने के लिए, ठीक है। तो दुआ करो 20,600 टूट जाए, क्योंकि FII तो अपने साथ है ही इस वक्त। अगर 20,600 टूट जाएगा तो भाई 20,850 जाएगा, और निफ्टी अगर 10,040 तोड़ देगा तो 10,120 और 150 भी जाएगा, ठीक है। बाकी की बातें जो हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर करेंगे। और देखो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लोग पैसे कमा रहे हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, अभी उनका मैं दिखा देता हूँ आपको जाते जाते प्रॉफिट। और आजा भाई प्रॉफिट आजा, बहुत लेट आता है प्रॉफिट, तो हमेशा लेट ही आता है। देखो ये देखो, इस भाई ने लिखा, नवीन भाई है, इन्होंने लिखा कि भाई 20,000 आज जो है उन्होंने 15,000 का प्रॉफिट कमाया, कल भी 15,000 का प्रॉफिट कमाया था उन्होंने, आज इन्होंने क्या कहते हैं इन्होंने ही प्रॉफिट का। मैंने लिखा भाई 9980 तक प्रॉफिट काट लेना, इन्होंने कहा ठीक है। मैंने पूछा काट लिया क्या प्रॉफिट, कह रहे हाँ काट लिया थैंक यू। तो भाई प्रॉफिट काटना भी तो बहुत एक कला है ना, प्रॉफिट काटना भी कला है। अब देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो 20,600 का लेवल दिया था, कहाँ दिया था ये रहा, 2:02 के ऊपर लिख दिया था कि भाई बैंक निफ्टी जो है 20,600 का टारगेट आ रहा है, थोड़े से लॉट लेना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम थी, क्योंकि टाइम कम बचा था ना इसलिए, कि भाई 20,600 आएगा लेकिन थोड़े से लॉट लेना और लॉट कम ही रखना, और हो सकता है कल तक होल्ड कर लेना, 20,600 मिल जाएगा। लेकिन ये तो आज ही मिल गया तो कल तक होल्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और निफ्टी में मैंने कहा था कि भाई 10,000 एग्जैक्ट टच कर सकता है, इसका टारगेट जो है इतना लिख लो, 2:04 तक गया था, ठीक है। और मैंने साथ साथ बोला भी था कि भाई क्योंकि मार्केट जो है हाई लेवल के ऊपर थी, मैंने क्लियरली कह दिया था कि भाई ना मार्केट में लॉट्स ज़्यादा मत रखना, और कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा लॉट्स करने का, जो ट्रेंड था वो हम कैप्चर पूरा कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या हुआ भाइयों, फाइनली बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 20,600 का टारगेट दिया था, 20,600 अचीव हो गया, ठीक है। और निफ्टी जो है 10,000 का टारगेट दिया था, हाई कितना बनाया 9995, 5 पॉइंट से टारगेट रह गया निफ्टी का, कोई बात नहीं प्रॉफिट में तो रहे कम से कम, ठीक है। चलो भाइयों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। डाटा बता रहा है बुलिश, लाइव मार्केट में रहूँगा आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा आपको, और कल जो भी होगा वैसा खेलेंगे। दोनों तरफ की कंडीशन बता दी आपको, लेवल आपको बता दिए, लिख के बता दिए, और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते लोग और पैसा कमा के निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करा करो, बेल नोटिफिकेशन दबाया करो, और थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा ना कुछ काम करते हुए, ठीक है। मिलते हैं चलो अगली वीडियो के अंदर, और अभी के लिए धन्यवाद। स्टॉक्स की जो वीडियो है ना वो शाम को मैं पोस्ट करूँगा, जो स्टॉक्स अच्छे रहेंगे वो देखते हैं कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, चलो ओके बाय, थैंक यू।